एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्विक रिव्यूज़। तो आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है गाइस, क्योंकि मैं इन दोनों प्रोडक्ट्स की रिव्यू नहीं बल्कि मैं इन दोनों की कंपैरिजन भी करने वाली हूँ। यस, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो क्विकली एंड आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पता चले कि विच मेकअप फिक्सर इज़ बेस्ट फॉर यू। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इन प्रोडक्ट्स के ब्रांड्स के बारे में। तो एज यू कैन सी, मेरे पास यहाँ पे दो मेकअप फिक्सर हैं। द फर्स्ट वन इज़ स्विस ब्यूटी मेकअप फिक्सर एंड द सेकंड वन इज़ लोरियल पेरिस इनफेलिएबल मेकअप फिक्सर। तो जैसा कि हम जानते हैं, स्विस ब्यूटी एक ग्रोइंग ब्रांड है जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है। आपको ये नाइका, फ्लिपकार्ट, अमेजन, पर्पल, हर एक ब्यूटी ऑनलाइन स्टोर में आपको ये अवेलेबल मिल जाएगा और इवन आपको ये लोकल स्टोर में भी अवेलेबल मिल जाएगा। ये एक बहुत ही बेस्ट अफोर्डेबल ब्यूटी ब्रांड है। एंड द सेकंड वन इज़ लोरियल। मुझे नहीं लगता मुझे इसको एक्सप्लेन करना होगा बिकॉज इट्स अ हाई रेटेड इंटरनेशनल ब्रांड और इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, हाई रेटेड हैं। तो ये दोनों ही ब्रांड बहुत अच्छे हैं, बट एक थोड़ा सा प्राइजी है और एक थोड़ा सा अफोर्डेबल है। सो गाइस, अब हम इनके पैकेजिंग की बात करेंगे। सबसे पहले ये स्विस ब्यूटी की, ये एक छोटू सा बॉटल है। ये आपको MRP 250 और आपको इसमें 50 ml का प्रोडक्ट रिसीव होगा। यस, और ये बहुत ही छोटू सा बॉटल है जिसमें आपका ये एकदम ट्रैवल फ्रेंडली है। ये मेरे पाम में बिल्कुल फिट हो जा रहा है, आप देख सकते हैं, मैं इसे बिल्कुल अपने पाम से पकड़ ले रही हूँ। इसके साथ आपको ये छोटू सा कैप मिलेगा और इसके साथ ही आपको ये स्प्रे मिल जाएगा। बॉटल पैकेजिंग जो है ये थोड़ा शाइनी है, प्लास्टिक है और ये दिखने में छोटू सा क्यूट सा लगता है। तो ये क्यूट पैकेजिंग है और 50 ml प्रोडक्ट है। अब हम बात करेंगे इसके पैकेजिंग की। तो इसमें ऑफ कोर्स ये इससे थोड़ा बड़ा है क्योंकि ये इसका MRP आपका 800 है और इसकी जो क्वांटिटी है वो 100 ml है। यस, 100 ml। और इसके पैकेजिंग की बात करें तो ये बिल्कुल मैट है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक बॉटल है। आपको इसके साथ शाइनी प्लास्टिक कैप मिल जाएगा। कंटेनर ये जो है ये बिल्कुल मैट जेड ब्लैक है और ये और थोड़ा सा कैप जो है थोड़ा बड़ा है। और आप इसको ओपन करेंगे तो आपको ये स्प्रे नॉजल भी मिल जाएगा सेम। ये दिखने में क्लासी लगता है। सो यस, इट इज़ अ क्लासी पैकेजिंग। तो चलिए गाइज, अब हम बात करेंगे इन मेकअप फिक्सर्स के एक्शन की। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्विस ब्यूटी। तो मैंने इसे एक लोकल ब्यूटी स्टोर से ख़रीदा है। इसकी MRP है 250, बट मैंने इसे 220 समथिंग में ख़रीदा है। आपको ये ईजिली 200-220 के अंडर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी स्मेल की। तो इसकी स्मेल मुझे बहुत अच्छी लगी। ये नेचुरल एलोवेरा काइंड ऑफ स्मेल है जो बहुत अच्छा लगता है इसका स्मेल मुझे। तो अब हम बात करेंगे इसके टेक्स्चर की। तो पहले मैं आपको अपने हैंड पे स्वॉच दिखलाऊंगी कि इसका टेक्स्चर कैसा है। सो गाइज, आपको मैं दिखाती हूँ इसका टेक्स्चर स्विस ब्यूटी का। देखिए, कुछ इस तरीके से मेरे हैंड पे आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी मुझे हाइड्रेटिंग फील होता है जब भी मैं इसे यूज़ करती हूँ। और ये जो फिक्सर है ये 15 से 20 सेकंड के अंदर आपके स्किन पे अच्छे से सब कुछ सेट करके ड्राई कर देगा। और ये मैक्सिमम 3-4 घंटे लास्ट करता है आपके फेस पे, आपके मेकअप को फिक्स रखेगा। बट अगर आप AC में हैं, अच्छे से रिलैक्स हैं, आपके फेस पे ज़्यादा स्वेटिंग नहीं हो रहा है, तो ये और भी ज़्यादा लाइक 4-5 से 6 घंटे भी आराम से आपके मेकअप को स्टे रखेगा। लेकिन आपके फेस पे बहुत स्वेटिंग हो रहा है, बहुत ऑयली हो गया है, तो ये थोड़ा सा डल कर देगा फेस को। अदरवाइज़ ये बहुत ही 4-5 घंटे तक तो ये आराम से सेट रखता है। ये 15-20 सेकंड में, जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे हैंड पे बिल्कुल सेट हो गया। और ये आपके जो स्किन को बिल्कुल ड्राई नहीं कर देगा, ये बहुत ही हाइड्रेटिंग है। बेसिकली ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। जो ऑयली है वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो ड्राई है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये ऑल स्किन को देख करके बनाया गया है। सो येस, सर, दिस इज़ ऑल स्किन टाइप्स, हाइड्रेटिंग एंड 3-4। और थोड़ा अच्छे कंडीशन में आप AC वगैरह में नॉर्मल अच्छे अच्छे रहें तो 4-5 आवर तक ये लॉन्ग लास्टिंग कर सकता है, आपके मेकअप को आराम से सेट कर देगा। तो चलिए गाइस, अब हम बात करेंगे इस लोरियल पेरिस मेकअप फिक्सर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको इसके स्मेल के बारे में बताऊंगी। आपको सुन के बहुत अजीब लगेगा कि इसकी स्मेल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। सम केमिकल टाइप ऑफ स्मेल है, बहुत ही अनोइंग स्मेल है इसका। मुझे नहीं पता कि बनाने वाले ने इसे क्या सोच के बनाया है। तो गाइस, मैं अब आपको इसके टेक्स्चर, लोरियल पेरिस की टेक्स्चर दिखा देती हूँ कैसी है। देख सकते हैं आप, ये स्मेल वाइज कुछ खास नहीं है, ऑनेस्टली अच्छी नहीं लगी मुझे। लेकिन जो इसका टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही मैट फिनिशिंग टेक्सचर है। ये आपके स्किन में मैक्सिमम 15 सेकंड के अंदर आपके मेकअप को एब्जॉर्ब करके बिल्कुल आपके फेस पे एक अच्छा सा एकदम मैट लुक देता है। और ये डेफिनेटली ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है। और ये ड्राई स्किन वालों के लिए समर्स में ठीक है। आप ड्राई स्किन हो, समर्स में थोड़ा स्वेटिंग होता है, फेस थोड़ा ऑयली ऑयली रहता है, तो समर्स में ड्राई स्किन वाले आराम से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप ड्राई स्किन हो और आप इसे विंटर्स में यूज़ करो। सो समर्स है बेसिकली, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये 15 सेकेंड में एब्जॉर्ब कर लेगा। इसकी स्टे पावर 5-6 घंटा मिनिमम है। मतलब कम से कम ये 5-6 घंटा आपके मेकअप को एकदम ढांसू वाला अच्छा सा एकदम सेट रखता है।
और अगर आप एसी वगैरह में हैं, अच्छे से रिलैक्स हैं, तो आराम से और भी लंबा टान लेगा, नो इशू। बट ये 5 से 6 घंटा तो मिनिमम आपके मेकअप को सेट डेफिनेटली रखेगा। 15 सेकंड के अंदर आपको ये देख सकते हैं मेरे हैंड पे एकदम बिल्कुल मैट सा मुझे फील हो रहा है। सो इट्स नॉट हाइड्रेटिंग काइंड ऑफ मेकअप फिक्सर, इट्स अ मैट मेकअप फिक्सर। सो गाइज, इट्स टाइम फॉर फाइनल कंक्लूजन। तो अब मैं बताने वाली हूँ मेरा पर्सनल ओपिनियन। तो अगर आप अपने मेकअप फिक्सर पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं और बजट फ्रेंडली इन्वेस्ट लाइक 200 से 250 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसमें आपको एक अच्छा सा मेकअप फिक्सर चाहिए, तो आप डेफिनेटली आप इसे स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर ट्राई करिए। ये एक बहुत ही अच्छा, एफोर्डेबल और बेस्ट मेकअप फिक्सर है। मैं उसे 1 से 1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ। ये फेस बहुत ही अच्छा से मेकअप को सेट कर देता है, फिक्स कर देता है, और आपको इसको लेकर के पछताना नहीं पड़ेगा। ट्रस्ट मी, आप बहुत ही ज़्यादा एकदम बेफिक्र होकर आप इसे ले सकते हैं। एंड द सेकेंड वन इज़ दिस लोरियल का मेकअप फिक्सर। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं थोड़ी सी प्राइजी और थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग मेकअप फिक्सर हो और बिल्कुल मैट वाला एकदम लुक दे, तो आप डेफिनेटली आप ये लोरियल पैलेट का मेकअप फिक्सर को इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग करेगा और थोड़ा सा मैट वाला, ज़्यादा मैट टू आपको फिनिशिंग देगा, और ये थोड़ा सा प्राइजी भी है, तो आप इसे बिल्कुल ले सकते हैं। सो मेरे हिसाब से दोनों ही मेकअप फिक्सर बेस्ट हैं। अगर आप अफोर्डेबल और थोड़ा सा 3 to 4 आवर्स वाला सेटिंग चाहते हैं तो ये आप लें, और ये हाइड्रेटिंग है, आपके स्किन पे ज़्यादा डैमेज वगैरह कुछ नहीं करेगा। और ये वाला जो है, और ये भी बहुत अच्छा है, बट ये थोड़ा सा प्राइजी है तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ना, तो इसीलिए। और आपको लॉन्ग लास्टिंग मैट वाला चाहिए, ये सब क्वालिटीज़ चाहिए, तो आप इस पर जा सकते हैं। येस, सो इट्स माई फाइनल कंक्लूजन। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव मी अ थम्स अप।